हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रो एंड ग्रो टैली पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए गूगल मैप का लोगो डिज़ाइन करने के लिए लाए हैं। तो चलिए अब हम लोग लोगो डिज़ाइन करेंगे। कैसे उसको डिज़ाइन करना है कोरल ड्रा में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक शेप टूल्स पे जाना है। ये आपको दिख रहा है बेसिक शेप टूल्स, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड आपका टूल्स आएगा जो परफेक्ट व्यू शेप आता है। परफेक्ट व्यू शेप में आपको यहाँ आप इस शेप को सिलेक्ट करना है। ये आपका आ गया इस टाइप से। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ग्रीन कलर इसमें फिल कर लेना है। ग्रीन कलर फिल करने के बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर लेके आना है, ठीक है, गूगल मैप में। आपको उसके बाद आपको रेक्टेंगल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है, फिर से आपको ग्रीन कलर इसमें फिल कर देना। फिल हो गया हमारा। फिल होने के बाद यहाँ पे इस टाइप से ड्रा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे इस टाइप से इतना बड़ा कर लेना है और इसे लेकर यहाँ पे आना है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर लगे वैसा कुछ प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, आपको अरेंज करना है, कर लिए। उसके बाद आपको शिफ्ट प्रेस करना है, कीबोर्ड में शिफ्ट और ऊपर भी क्लिक कर लेना, तो आपका दोनों शेप सिलेक्शन में हो जाता है। और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, वेल्ड, तो वेल्ड कर लेंगे और हमारा ये फर्स्ट वाला जो मैप का ये लोकेशन होता है आपका रेडी है। यहाँ पे इस टाइप से ये आपका रेडी हो गया। उसके बाद आप एक और शेप लेना है। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे उस शेप को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बजर टूल्स लेंगे, ठीक है ना, बजर टूल्स लेंगे। ये आपका बजर टूल्स आ भी गया, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक करना है, एक यहाँ पे, और फिर इसे मिला देना है। ये हमारा मिल गया है। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि इस टाइप से आपको बजर टूल्स का इसमें यूज हम बताएंगे, तो आप इसे ऊपर नीचे करके इस टाइप से कर सकते हैं जो बराबर हो सके। अब यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, आप इससे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंटर सेलेक्ट करना है। पॉइंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कलर फिल हो गया। फिर से इसी का कंट्रोल डी प्रेस करना है,
कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप इसमें कलर चेंज कर लीजिएगा, ये आपका कलर चेंज हो गया है लेफ्ट और एक बार राइट। उसके बाद आपको यहाँ से चेंजिंग करके इस टाइप से घुमा लीजिएगा, रोटेट करना है आपको और सामने सामने फेस को लाना है। चलिए अब यहाँ पर हमको लेकर जाना है, थोड़ा सा और रोटेट होगा आपका, थोड़ा सा इसे अरेंज टूल से आप रोटेट कर लीजिएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे आएगा तो नीचे, आपका यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपका इधर हो गया। यहाँ से मिला लीजिएगा और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर आएंगे और इसे यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है, और सेव टूल्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग और कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स करने के बाद आपको इस टाइप से पॉइंटर को मिला लेना है और ये वाला शेप जो है यहाँ से इस टाइप से मिला लेना, दोनों को बराबर ही रखिएगा, इक्वल दिखना चाहिए। ये आपका रेडी है। उसके बाद देखिए क्या करना है, जो उसके बाद आपको क्या करना है जो अब देखेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और थोड़ा इसे और बड़ा करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इलिप्स लेना है, इलिप्स टूल्स का प्रयोग करना है। यहाँ पे हम इलिप्स ले लिए और कलर फिल कर लेंगे इस टाइप से, यहाँ पे ले लिए हम। लेने के बाद इसमें आप कलर फिल कर लीजिए, कलर फिल हमारा हो गया और उसके बाद आपको क्या करना है जो देखिए, फिर क्या लेना है आपको, रेक्टेंगल्स इस टूल्स का यूज करना है और आपको इस टाइप से ड्रा कर लेना। ड्रा करने के बाद आप पॉइंटर को फिर से सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करना है, यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिम, ट्रिम हम कर लिए और इसे आप साइज यहाँ से बड़ा और छोटा इंक्रीज कर लीजिएगा इस तरह से ड्रा करके, और थोड़ा सा आपको रोटेट करना है, ये आपका रोटेट हो गया है। यहाँ पे साइज आपको बड़ा लग रहा है तो साइज हमारा छोटा भी हो जाएगा और यहाँ से आप इसे अरेंज करके यहाँ रख भी सकते हैं, इधर बढ़ा भी सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से ये अरेंज हो रहा है और येलो के पार्ट के सामने इसे आप कर भी सकते हैं, देखिए आपका फिट बैठ गया है आपका। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसी का कंट्रोल डी कीजिएगा, कंट्रोल डी करने के बाद आप यहाँ पे मिरर बटन पे क्लिक करना है आपको, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे बैठाना, फिर इसे आप मिला लीजिए और कर्सर कंट्रोल की के द्वारा और मिलाना है तो आप मिला लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा अगर नीचे आएगा तो नीचे, और ये आप पॉइंटर पकड़ के इसे अपने तरह से मिला सकते हैं,
यहाँ पे, और इस टाइप से आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, आपको जो कलर फिल करना है आप यहाँ कर लीजिएगा। और एक राइट यहाँ पे कलर फिल कर लेंगे हम, और ये पॉइंट मिला देंगे। पॉइंट मिलाने के बाद यहाँ पे आपको ऑरेंज पे भी लाइट कलर कर देना है आपको इस टाइप से। उसके बाद आपको क्या है, एक फिर से इलिप्स लेना है। आप टूल बॉक्स में जाइएगा और इलिप्स टूल्स को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ले लिए हम इलिप्स टूल्स। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से इलिप्स को ले लेना है। यहाँ से आप पूरी इलिप्स को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ कलर फिल कर देना है आपको, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, यहाँ पर कलर फिल हो जाएगा। और यहाँ ये येलो के अंडर में रहने वाला है, तो इसे आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाइएगा, ये आपका कलर फिल हो गया है। और इसे भी आप यहाँ लेकर आना है, सबके बीच में आपको इसको रखना है तो ये बेहतर लगेगा। यहाँ से ये आपका गूगल मैप का लोगो बनके रेडी है। आज आप लोगों के लिए कोरल ड्रा में बस इतना ही।